देखिए मैंने आइसक्रीम बनाई थी, आइसक्रीम बन गई है। ये चारों आइसक्रीम मैंने बनाई थी और उसको मैं निकालूंगी। ये देखिए कितना अच्छे से जम गई है। ओ वाह, बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए कितने अच्छे से निकल रही है। देखिए वर्मा, ये देखिए कि अच्छे से निकली। मैंने निकाल दिए। ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम निकली है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा खाऊंगी तोड़ के। देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है आइसक्रीम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए मैं बनाऊंगी कुल्फी। ये देखिए ये कुल्फी बनाऊंगी। ये दूध मैंने चढ़ा दिया। कस्टर्ड कुल्फी बनाऊंगी। ये देखिए दूध मेरा ये देखिए पक रहा है खूब। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए अब मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से चलाते रहना है कस्टर्ड डाल के। ये खूब अच्छे से पकेगा, खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। दोस्तों कस्टर्ड कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी। देखिए खूब अच्छे से पक रहा है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा तो इसमें मैं भर दूंगी। फिर फ्रिज में लगा दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जब तक ये फ्रिज में जम जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है कस्टर्ड कुल्फी। खूब अच्छे से पक गया है। देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब इसमें डाल दिया मैंने, काट दिया है।
कुल्फी सभी को पसंद होती है दोस्तों, कुल्फी तो सभी को अच्छी लगती है, और अगर घर की कुल्फी हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, खाने में टेस्ट लगता है, क्योंकि हर चीज़ साफ सुथरा मिलाना पड़ता है। बाहर की होती है, लेकिन घर की घर ही की होती है। ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है, अब मैं ये इसमें भर दूंगी। छोटे बाउल में अभी ये गाढ़ा हो चुका है, देखिए खूब अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब मैं अब गैस बंद कर दूंगी, अब मैं इसको थोड़ा बाउल में डाल दूंगी। ऊपर से काजू बादाम पिस्ता डालूंगी। अब मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी। ऐसे करके ये देखिए अभी ठंडा हो चुका है। मैं पहले ऐसे पन्नी लगाऊंगी, उसके बाद ढक्कन लगा दूंगी। ये देखिए अब मैं ये फ्रिज में ऐसे लगा दूंगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। कुल्फी